नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो वेज। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़े आलू, 1/2 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप राइस फ्लोर, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया कटा हुआ, नमक, हमने सारे आलू को अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसे काटेंगे। हम इसे हाफ कर लेते हैं और इसमें भी हाफ करते हैं और इसमें भी हाफ कर लेते हैं, इस तरह से। अगर आप आलू को ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो पतला ही काट लीजिए। और हम इन सारे आलू को अच्छी तरह से धो लेते हैं। इन्हें पानी साफ होने तक अच्छी तरह से 2-3 बार धो लेते हैं, जब तक पानी हमारा साफ नहीं हो जाता। एक बार और धो लेते हैं। पानी साफ है तो ये 2 बार में ही सही हो गए हैं। हम तीसरी बार नहीं धुलेंगे, तब तक हम बैटर बना लेते हैं। हमने लिया 1/2 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप राइस फ्लोर, बारीक कटा हुआ धनिया, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पेस्ट लगभग 1/2 चम्मच है, और नमक टेस्ट के अनुसार, और ऑर्गेनो हर्ब्स, ये हमने मार्केट में आसानी से मिल जाता है हमें। अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच बटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ हट जाएं। ये बैटर हमें बहुत थिक नहीं रखना है, तो थोड़ा पानी हम डाल के और मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से बैटर तैयार हो चुका है। इसे हम एक तरफ कर लेते हैं और अब हम आलू को उबाल लेते हैं। हम इसमें नमक डाल देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। दस मिनट में आलू पक जाते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, हम फोक की हेल्प से सेब चेक कर लेते हैं और इसे तोड़ के भी देख लेते हैं, टूट जाता है आसानी से। तो ये हो चुका है। अब हम इसे बाउल में खाली कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हम ऑयल गरम कर लेते हैं और आलू को बैटर में अच्छी तरह से डिप करके फ्राई कर लेते हैं। इसे गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं। इसे हमें धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। इस तरह से हम
बाकी के सारे आलू को डीप करके फ्राई कर लेते हैं। हमारा पोटैटो वेज तैयार है, एकदम क्रिस्पी और क्रंची हुआ है, तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।